अच्छे दोस्त बनाएं और अपने मसाइल उनके साथ शेयर करने की आदत डालें। अच्छे दोस्त इसलिए कि ये बात है कि अगर हम अपना मसला किसी दोस्त के सामने शेयर करते हैं तो वो हमारा मसला जो है वो हल्का हो जाता है। किसी के कंधे पर अगर आप अपना सर रख करके रो लेते हैं तो वो चंद आंसू आपके दिल के बोझ को हल्का कर देते हैं। ये जो हमारे यहाँ आजकल माहौल है, अकेले रहना, तन्हा रहना, सबसे हट करके रहना, एक आदमी समझता है ना मेरे मेयार का कोई नहीं है, मेरे मेयार का कोई नहीं है, तो याद रखना अकेले रहते रहते इंसान मायूस होता है, ना उम्मीद होता है। और अक्सर लोगों को आप देखें जो लोग समाज से कट जाते हैं वही आमतौर पर खुदकुशी करते हैं। इसलिए समाज से मत कटो, समाज से वाबस्ता रहो, समाज से वाबस्ता। आजकल देखा जाता है किसी को थोड़ी सी इज्जत मिल गई अलग समाज से कट जाए। देख रहा हूं मैं अपने शहर में थोड़ी सी इज्जत मिली, अपना स्टेटस नहीं है भाई, मेयार अपना नहीं है, ये लोग अपने मेयार के नहीं है, ठीक अलग, इज्जत मिली अलग, दौलत मिली अलग, शोहरत मिली अलग, लिबास अच्छा पहना अलग, कार अच्छी ली अलग, ये कम जरफों की अलामत है। मेरे आका सैयदुल आलमीन होकर भी सबके साथ बैठा करते थे। गरीब आता उसके साथ भी, अमीर आता उसके साथ भी, मजदूर आता उसके साथ भी, आला आता उसके साथ भी, अदना आता उसके साथ भी, कुछ मिल जाने पर अलग रहना। याद रखना आप हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते। हुजूर सैयदी मुहद्दिस आजमीन का एक शेर है बहुत खूबसूरत, कहते हैं एक तरीके पर नहीं रहता कभी दुनिया का हाल, एक तरीके पर कभी रहता नहीं दुनिया का हाल, हर जवाले रा कमालो, हर कमाले रा जवाल। दुनिया हमेशा एक उस पे नहीं रहती, हर उरूज को जवाल है और हर जवाल को उरूज है। तो ये थोड़ी सी इज्जत मिलने पर जो 100 लोगों से कट जाते हो, एक दिन इज्जत खत्म होगी कटे रह जाओगे। थोड़ी सी दौलत मिलने पे लोगों से कट जाते हो, दौलत खत्म हो जाएगी लोगों से कटे रह जाओगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए मिलनसारी की आदत डालो, लोगों के दरमियान उठने बैठने की आदत डालो, हालात अच्छे हो या बुरे हो लोगों से कभी कटना नहीं। ये कमजरफी की अलामत है, ये हल्केपन की निशानी है, ये इंसान के नीच और कमीनेपन की अलामत है। आसान मिसाल कहते हैं कि एक चूहे ने हीरा खा लिया, एक चूहे ने हीरा खा लिया, उसने हीरा हीरा खा लिया, जिसका हीरा खाया उसको तकलीफ हुई कि भाई मेरा हीरा कैसे खा लिया चूहे ने। तो उसने क्या किया, ये अभी चंद दिनों पहले किसी दोस्त ने मुझे ये आर्टिकल छोटा सा भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत अच्छा लगा। हमारे अहबाब एक साथ एक ग्रुप में जमाए तो उन्होंने ये आर्टिकल मुझे भेजा था। हालांकि आमतौर पे मैं इसको पसंद नहीं करता कि किसी के भेजे हुए आर्टिकल को नकल करूं, लेकिन बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और है इबरत की बात है। उसने जब हीरा खा लिया तो हीरा डायमंड उसका छोटा सा हिस्सा निगल गया, वो निगल गया, तो जिसका खाया तो उसका तो नुकसान बहुत हुआ ना। तो उसने अपने दूसरे दोस्त से कहा यार वो मेछुआ मेरा हीरा खा गया, और कहा कि मैं पहचान लूंगा और मैं ले लूंगा आपका हीरा। तो तकरीबन 150-200 चूहे यानी बड़ी तादाद में चूहे की जमात थी, बैठे हुए थे चूहे, तो उन चूहों में बैठे हुए चूहों में उस दानिशमंद ने निशाना लगाया और उस चूहे को मार दिया, उसका पेट काटा गया तो उसमें से हीरा मिल गया। तो शख्स ने पूछा यार इतने सारे चूहे थे, इतने सारे चूहे थे, सब काले काले चूहे, तुमने कैसे पहचान लिया कि इसी ने हीरा खाया है? इसलिए कि हीरा खाते तुमने देखा नहीं, अगर देख भी लेते तो सारे चूहे एक जैसे दिखते हैं, तुमने कैसे पहचाना? कि उसने बहुत अच्छी बात कही, कहा कि वो हीरा खा लिया था ना उसने, तो चूंकि उसके पेट में आ गया था माल हीरा, तो अपनी बिरादरी से कट के अलग बैठा हुआ था। क्योंकि जब ना अहलों को कम जरफों को कुछ भी मिल जाता है तो फिर वो थोड़ा अलग रहने की कोशिश करते हैं, मैं समझ गया जो अलग है उसी के पास माल है, तो फिर मैंने उसका काम तमाम कर दिया।
इसलिए अगर कुछ मिल जाए मिलन सारी होनी चाहिए। एक तरीके पर कभी दुनिया का हाल नहीं रहता, हर उरूज को जवाल है और हर जवाल को उरूज है। इसलिए याद रखना कभी भी अलग थलग नहीं रहना, अच्छे दोस्त तो बनाए लेकिन